ज्ञानधारा हर्षोली चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। यदि आप व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए अति महत्वपूर्ण, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इस भर्ती से संबंधित इतिहास विषय के संपूर्ण कोर्स को 1 से 48 भागों के अंतर्गत करवाया जा चुका है। इसी के साथ शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन इस विषय के संपूर्ण कोर्स को 1 से 14 भागों में संपूर्ण कराया जा चुका है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान का भूगोल भाग दो। यदि आपने इसके भाग एक को नहीं देखा है तो इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर के आप इस भाग को देख सकते हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं आज का भाग दो। इसमें हम अध्ययन करेंगे राजस्थान व इसके पड़ोसी राज्यों के विषय में, जिनसे काफी प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। राजस्थान और उसके पड़ोसी राज्यों की यदि हम बात करें तो राजस्थान 5 राज्यों के साथ में अपनी अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। इन 5 राज्यों में यदि हम बात करें तो उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में एमपी मध्य प्रदेश और दक्षिण में गुजरात राज्य के साथ में राजस्थान अपनी अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। राज्य की अब सीमाओं में इनकी लंबाई की बात करें तो राज्य की सर्वाधिक लंबी जो अंतरराज्यीय सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। मध्य प्रदेश के साथ जैसा आप नक्शे में देख पा रहे हैं 1600 किलोमीटर लंबी अंतरराज्यीय सीमा राजस्थान की लगती है। सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा की यदि हम बात करें तो राज्य की सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा पंजाब राज्य के साथ है। पंजाब जैसा कि उत्तर दिशा में आप देख पा रहे हैं 89 किलोमीटर लंबी यह अंतरराज्यीय सीमा है। इनसे भी दूरी से संबंधित प्रश्न भी काफी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। राजस्थान के झालावाड़ जो जिला है इसकी अंतरराज्यीय सीमा सर्वाधिक लंबी है। अब राजस्थान के जिलों की मैं बात करें तो राजस्थान का जो झालावाड़ जिला है वह मध्य प्रदेश के साथ में सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। इसी प्रकार सबसे छोटी सीमा की बात करें तो राजस्थान का जो बाड़मेर जिला है वह बाड़मेर जिला गुजरात के साथ में सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। अब हम बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय सीमा वाले जिलों के बारे में। अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं की बात करें तो गंगानगर जो जिला है, गंगानगर पाकिस्तान और पंजाब, कहने करते हैं पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और पंजाब के साथ अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं। ये प्रश्न थोड़ा महत्वपूर्ण बनता है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा वाले केवल राजस्थान में दो ही जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा भी निर्धारित करते हैं और अंतरराज्यीय सीमा भी। उनमें पाकिस्तान व पंजाब के साथ तो गंगानगर और बाड़मेर जो जिला है वो पाकिस्तान के साथ में भारत के गुजरात राज्य से भी सीमा बनाता है। तो गंगानगर और बाड़मेर ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय भी और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमाएं बनाते हैं। केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिलों की यदि हम बात करें तो इनमें गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर उत्तर से दक्षिण के क्रम में यदि हम इनको देखें तो इस प्रकार से ये पाकिस्तान के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इनमें उत्तर से ही यदि हम बात करें जैसा आप नक्शे में देख पा रहे हैं गंगानगर उत्तरी उत्तर में सबसे गंगानगर है जो कि 210 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है। इसी के साथ गंगानगर से दक्षिण में बीकानेर है जो 168 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है। बीकानेर के दक्षिण के क्रम में और आगे चलें तो जैसलमेर जो है वो 464 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा पाकिस्तान के साथ बनाता है। इसी क्रम में आगे बाड़मेर 228 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा पाकिस्तान के साथ बनाता है। इनमें अब यदि सबसे लंबी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाले जिले की बात करें तो वो जैसलमेर है जिसके साथ 464 किलोमीटर लंबी लंबी सीमा रेखा बनती है। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें
तो बीकानेर के साथ लगती है 168 किलोमीटर लंबी। अब हम राज्य के कुछ उभयनिष्ठ जिलों की बात कर लेते हैं। उभयनिष्ठ जिले वो जिले हैं जो दो राज्यों के साथ सीमाएं बनाते हैं। दो राज्यों के साथ सीमाएं बनाने वाले जिले राजस्थान में कुल चार हैं। इनमें पहला है हनुमानगढ़। नक्शे में देखिए, हनुमानगढ़ उत्तर की तरफ हम देखते हैं तो उत्तर में पंजाब के साथ भी और उत्तर पूर्व में हरियाणा के साथ भी, दोनों राज्यों के साथ ये पंजाब की सीमाएं लगती हैं। इसी प्रकार भरतपुर, भरतपुर की उत्तर पूर्व में ये देखिए हरियाणा के साथ में और पूर्व में उत्तर प्रदेश के साथ में भरतपुर की सीमाएं लगती हैं। इसी प्रकार धौलपुर की सीमाओं की बात करें तो पूर्व में उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, जैसा आप देख पा रहे हैं ये पूर्व और दक्षिण पूर्व में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ में धौलपुर की सीमाएं लगती हैं। अंत में बांसवाड़ा जो जिला है, बांसवाड़े की जो सीमा है वो दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण में गुजरात के साथ में स्पर्श करती है। तो ये थे राजस्थान के उभयनिष्ठ जिले जो दो राज्यों के साथ अपनी सीमाएं बनाते थे। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों की। अंतर्वर्ती जिले वो जिले होते हैं जिनकी सीमाएं किसी भी राज्य को नहीं छूती है, नहीं स्पर्श करती है। नंबर एक, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाले जिले। नंबर दो, अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिले। नंबर तीन, उभयनिष्ठ जिले। और नंबर चार पर आता है अंतर्वर्ती जिले। तो अंतर्वर्ती जिले जो किसी भी राज्य और राष्ट्र के साथ में, देश के साथ सीमाएं नहीं बनाते, इनमें ये आठ जिले प्रमुख हैं जिनको हम एक छोटे से सूत्र के द्वारा भी याद कर सकते हैं। इसका सूत्र है, ऐ राज ना दो पाली जो बूटो, ऐ राज ना दो पाली जो बूटो, जो बूटो तुमने पाली है राज उसको मत दो। तो ये हमारा ये सूत्र बनता है, ऐ राज ना दो पाली जो बूटो, कि जो बूटो तुमने पाली है उसको मत दो। तो इसको हम देखें, ऐसे अजमेर, राज से राजसमंद, ना से नागौर, दो से दोसा, पाली से पाली, जोधपुर से जोधपुर, बूंद से बूंदी, टोंक से टोंक। तो ये आठ जिले ऐसे हैं जो ना किसी राष्ट्र के साथ सीमा बनाते हैं ना किसी राज्य के साथ में। अब राजस्थान के कुछ ऐसे जिले भी हैं जो सर्वाधिक जिलों से सीमा स्पर्श करता है। राजस्थान का एक जिला ऐसा है जो राज्य के सर्वाधिक जिलों के साथ में अपनी सीमाएं बनाता है, तो उस वो जिला है पाली। तो इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, पाली जिले से आठ जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, इनको याद रखना भी बहुत जरूरी है। तो इसको भी हम एक सूत्र से याद रख सकते हैं। सूत्र है, पाली बाढ़ में उदयराज जोशी अज ना जा, कि भाई उदयराज जोशी जो पाली बाढ़ है उसमें तुम आज मत जाओ, पाली बाढ़ में अज ना जा। उदयराज जोशी पाली जो बाढ़ है उसमें तुम आज मत जाओ। तो इस सूत्र से हम इसको याद रख सकते हैं, उदयराज जोशी पाली बाढ़ में उदयराज जोशी अज ना जा। पाली से पाली याद रह जाएगा, अर्थात पाली जिले की सीमा से स्पर्श करने वाले अन्य जिले। बाड़मेर से बाड़मेर, उदय से उदयपुर, राज से राजसमंद, जोध से जोधपुर, सी से सिरोही, अज से अजमेर, ना से नागौर, जा से जालौर। ये आठ जिले हैं जो पाली से स्पर्श कर सकते हैं। अब हम देखते हैं भौगोलिक दृष्टया विभक्त जिले। ध्यान देना, अजमेर और चित्तौड़गढ़ ये दो जिले हैं जो भौगोलिक दृष्टया विभक्त हैं। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछा जा चुका है। भौगोलिक दृष्टया विभक्त का अर्थ ये है कि ये जिले एक साथ नहीं है, अर्थात इनका एक हिस्सा एक तरफ है, दूसरा हिस्सा दूसरे जिलों के दूसरी तरफ है। तो इनमें अजमेर और चित्तौड़गढ़ जिले हैं जो दो हिस्सों में विभक्त हैं, इसलिए इन्हें
भौगोलिक दृष्टया विभक्त जिले भी कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं वो राज्य जिनके साथ में राजस्थान के जिलों की सीमाएं बनती है, तो वो जिले कौन कौन से हैं। तो सब पहले हम बात कर लेते हैं पंजाब की। तो पंजाब से स्पर्श करने वाले जो राज्य के जिले हैं उनको हम एक सूत्र से याद रख सकते हैं। सूत्र है पंजा गंगा हनुमान, पंजा गंगा हनुमान। पंजा से पंजाब, गंगा से गंगानगर, हनुमान से हनुमानगढ़। अर्थात पंजाब से स्पर्श करने वाले जिले हैं गंगानगर और हनुमानगढ़। अब देख लेते हैं दूसरी तरफ कि पंजाब के कौन से जिले या स्पर्श करते हैं राजस्थान से। तो इसका सूत्र है पंजा फिर मुक्त, पंजा गंगा हनुमान और पंजा फिर मुक्त। पंजा से वही पंजाब, फिर से फिरोजपुर, मुक्त से मुक्तसर, ये दो जिले हैं पंजाब के। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा से स्पर्श करने वाले राज्य के जिले कौन कौन से। अब इसका भी सूत्र जरूरी याद करना, नहीं तो इतने जिले याद रह नहीं सकते। सूत्र है हरिया झूंझल भर चूसी जय हनुमान, हरिया झूंझल भर चूसी जय हनुमान। हरिया से हरियाणा, अर्थात हरियाणा से स्पर्श करने वाले जिले, झू से झुंझुनू, झुंझल ध्यान देना, झुंझल में झुंझ से झुंझुनू और अल, ये व्यंजन संधि हो जाएगी, अल से अलवर, जय से ए बाहर आ जाएगा, भर से भरतपुर, चू से चूरू, सी से सीकर, जैसे जयपुर, हनु से हनुमानगढ़। तो ये सात जिले हैं जो हरियाणा से स्पर्श करते हैं। अब इसी प्रकार दूसरी दृष्टया देखें तो हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान को छूते, तो उनको भी एक सूत्र से देख लेते हैं। हरिया मेव गुड़ भिवा, हरिया मेव गुड़ भिवा रे महेंद्र सिर फतेह हिसार, कि महेंद्र का सिर फतेह करना है हिसार में, इसलिए हरिया मेव गुड़ भिवाले, हरिया मेव गुड़ भिवाले, क्योंकि महेंद्र का सिर फतेह करना है हिसार में। तो ये सूत्र याद रख सकते हैं, सूत्र को देख लें। हरिया से हरियाणा, मेव से मेवात, गुड़ से गुड़गांव, भिवा से भिवानी, रे से रेवाड़ी, महेंद्र से महेंद्रगढ़, सिर से सिरसा, फतेह से फतेहाबाद और हिसार से हिसार, ये आठ जिले हैं जो राजस्थान को सीमा बनाते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश से स्पर्श करने वाले राज्य के दो जिले हैं, उनको सूत्र से याद रख सकते हैं। उत्तर भरधो, उत्तर भरधो, उत्तर से उत्तर प्रदेश, भर से भरतपुर, धो से धौलपुर। इसी प्रकार राज्य से स्पर्श करने वाले उत्तर प्रदेश के जिले वो है उत्तरागम, उत्तर से उत्तर प्रदेश, आ से आगरा, ध्यान देना, उत्तर से उत्तर प्रदेश, आग से आगरा और मैं से मथुरा, ये दो जिले उत्तरागम और उत्तर भरदो। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश से स्पर्श करने वाले जो राज्य के जिले हैं वो उनको एक सूत्र से याद रख सकते हैं, ऐसे तो याद रहेंगे नहीं ये दस जिले। मध्य सवा धोखो करो झाला भील चित बारह बा प्रताप। सूत्र है कि मध्य सवा धोखो करो, कि मध्य सवा में धोखा कर लिया जिससे झाला भील क्या हो गया, चित्त हो गया, चित्त मीन्स डिफीट हो गया, कि मध्य सवा धोखो करो झाला भील चित बारा बा प्रताप, मारे बा प्रताप झाला भील चित हो गया। तो ये देख सकते हैं मध्य से मध्य प्रदेश, सवा से सवाई मोदपुर, धो से धौलपुर, को से कोटा, करो से करौली, झाला से झालावाड़, भील से भीलवाड़, चित से चित्तौड़गढ़, बा से ध्यान देना बास बारा, बारा से बारा, बा से बांसवाड़ा, प्रताप से प्रताप। ये दस जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश से स्पर्श करते हैं। अब इसी प्रकार मध्य प्रदेश के जिले भी हैं जो राजस्थान को स्पर्श करते हैं, उनमें भी एक सूत्र है मध्य कुशाजा शोरंत मंद झाबू राज शिव मुनि, ये एक सूत्र है। मध्य कुशाजा शोरंत मंद, शोरंत मंद कौन है,
झाबूराज शिवमुनि कि झाबूराज जो शिवमुनि है वह शोरतमंद है। सूत्र हो गया मध्य गुशाजा शोरतमंद झाबूराज शिवमुनि। मध्य से वही मध्य प्रदेश, गु से गुना, शाजा से शाजापुर, शोर से शोपुर, रथ से रतलाम, मंद से मंदशोर, झाबू से झाबुआ, राज से राजगढ़, शिव से शिवपुरी, मुंह से मुरैना, नी से नीमच, ये 10 जिले हैं मध्य प्रदेश के जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। अंतिम पांचवा राज्य है गुजरात। गुजरात से राज्य के जो जिले स्पर्श करते हैं उनमें यदि हम देखें तो उनका भी एक सूत्र है छोटा सा, गुजरात जा बाढ़ में सिर डुबो, अर्थात बाढ़ में सिर डुबोऊंगा लेकिन कहाँ जाकर, गुजरात में जाकर, कि गुजरात जा बाढ़ में सिर डुबो। तो गुजरात से गुजरात को स्पर्श करने वाले जिले, जा से जालोर, बाढ़ से बाड़मेर, सी से सिरोही, डू से डूंगरपुर, बांस से बांसवाड़ा, उदय से उदयपुर। तो ये 6 जिले हैं जो गुजरात से सीमा बनाते हैं। अब गुजरात राज्य के जिले जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं उनकी हम बात करें तो वो है, उनका भी एक सूत्र है कि गुजरा कच्छ दो ही पंच, साबरकांठा बनासकांठा। गुजरा कच्छ दो पंच, साबरकांठा बनासकांठा। कच्छ जब गुजरा तो दो ही पंच बचे, कौन कौन से, साबरकांठा और बनासकांठा। गुजरा से गुजरात, कच्छ से कच्छ, दो से दोहाड़, पंच से पंचमहल, साबरकांठा और बनासकांठा, ये 5 जिले हैं गुजरात के जो राजस्थान से सीमा बनाते। तो इस प्रकार से आज हमने राज्य की सीमा से स्पर्श करने वाले राजस्थान के और पड़ोसी राज्यों के जिलों का अध्ययन किया। इनसे प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा चाहे वो सेंट्रल लेवल की है या स्टेट लेवल की, एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो हमने इसको आज सूत्र द्वारा भी और नक्शे द्वारा दोनों तरीके से पढ़ के समझा, जिससे आपको ये भविष्य में कभी विस्मृत न हो। इससे आगे के पार्ट को भी हम इसी प्रकार नक्शे और सूत्र द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार यदि आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहना चाहिए तो हमारे इस गांधारा हरसोली चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ याद, आप हमारे यदि सभी एल्बम और कोर्स देखना चाहते हैं यूट्यूब पर सर्च बॉक्स में आप ऊपर ऊपर टाइप कीजिए ज्ञानधारा हरसोली, इसकी स्पेलिंग ऊपर दे रखी है। इसके बाद आपको इस प्रकार हमारे चैनल का GD लोगो दिखाई देगा, फिर आप ऊपर प्लेलिस्ट पर क्लिक करके प्लेलिस्ट वाइज हमारी समस्त वीडियो देख सकते हैं।